नमस्ते, तपाईँ सबैजनालाई. म सिक्किमबाट खुसबु कुमारी वर्मा नाम्ची बताए. सिक्किम मेन्सन गर्नेको कारण चाहिँ बिकज आई क्यान सी कि सम पिपल आर प्रोटेस्टिङ अनयुजली है. मतलब बेकारको त्यो हाम्रो हाम्रो भित्र कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्नु, हाम्रो भित्र झगडा लगाउने काम कसै अरूले गर्दैछ, तर आई क्यान सी कि सम ब्याड एन्ड युजलेस कमेन्ट्स आर कमिङ अगेन्स्ट अस कि हामी चुप लागेर बसेको रहेको छ भनेर. बट इट्स नट द्याट, हामी पनि हेर्दैछौँ. मैले म पहिला पुरा एक्टिभ थिएँ सोसियल मिडियामा, तर ड्यु टु सम रिजन, माई पर्सनल रिजन एन्ड ड्यु टु गभर्मेन्ट र मेरो क्लासले गर्दा आई हेभ टु सट माई माउथ फर फ्यु डेज आई बिलिभ. बट आई कुडन्ट टलरेट दिस थिङ. अब यति बेसी हुन थाल्यो क्या कुराहरू कि हामी बिहारीहरू किन चुप छौँ, सिक्किममा बसेर हामी सिक्किमको खाँदैछौँ, यस्तो गर्दैछौँ. तर लेट मी एक्सप्लेन यु वान थिङ, हामी चुप छैनौँ, हामी पनि हेर्दैछौँ त्यो तमासा, एन्ड द्याट इज युजलेस. एन्ड लेट मी एक्सप्लेन दिस थिङ इन हिंदी. अगर ये वीडियो आप लोग के पास भी जाए जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप यूजलेसली ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. क्योंकि सिक्किम में हम बिजनेस कम्युनिटी, सॉरी हम बिहारी जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे हम लोग आज़ादी से रहते हैं. पहली नंबर एक एक्ट हमारी हंसी नहीं रोकती है, एक एक्ट हमारा फ्रीडम नहीं रोकता है, ना एक एक्ट हमें रिची रिच होने से रोकता है, ना सुपर एजुकेटेड होने से रोकता है. ठीक है, वो अलग बात है, अगर मैं कामचोर हूँ तो फिर मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा. मैं जॉब करूँ या ना करूँ, अगर मैं कामचोर हूँ तो मैं यूजलेस हूँ. ठीक है, तो वो जो 371F जो बना हुआ है ना, वो सही चीज़ है. अब सोचो कि 200 जन के रहने वाला घर पे अगर 1 लाख आदमी आया तो वो घर घर रहेगा, वो घर नहीं रहेगा. ठीक है, वो गंदा सा एक जगह हो जाएगा जहाँ पे पोल्यूशन, पॉपुलेशन, कचरा सब एक जगह हो जाएगा. जैसे बिहार में है, हम लोग उतरते ही गंदगी देखते हैं, हम लोग गाली सुनते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें. मैं बिहारी हूँ, ओब्वियस मैं भी बलिया से ही हूँ, मेरे नेटिव प्लेस ही बलिया, बट मैं यहाँ पे बहुत 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 सालों से रह रही हूँ. एंड उसके ऊपर से मैं काउंसिलर भी रह चुकी हूँ. अब मेरे को बताओ कि क्या वो एक्ट ने मुझे काउंसिलर होने से रोका है? कभी नहीं रोका. मैं थैंकफुल नहीं हूँ, ये कौन बोलता है? हम मदी से हैं, ऑब्वियस है तो हैं. ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं एजुकेटेड भी तो हूँ, वो भी तो कंफर्ट जोन में मेरा आता है. आई एम मोर फार एजुकेटेड देन, मतलब किसी और के कंपेयर किया जाए तो आई बिलीव कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ. मैं इन चीज़ों को लाइटली लेना पसंद करूँगी, बट जिस तरीके से कॉमेंट्स आपके करतूतों के कारण हमारे लोकल्स हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो गलत चीज़ है. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए तो निकली कि मैं एक बिहारी की बेटी हूँ. मैं बिहारी की बेटी हूँ, बट मुझे दहेज का कोई झंझट नहीं है, ना मुझे 24 साल या 22 साल में शादी करने का कोई ठेका लेकर रखा है, ना मेरे माँ बाप ने लिया, ना मैंने लिया. ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जी रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैंने अपना एंटायर अपना जो भी टीनेज बोलो या मेरा मेरा ये अभी जो चल रहा है एज बोलें, मैंने इन्जॉय किया है, मैंने मस्ती किया है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने अपने सपने पूरे किए हैं, मैंने हर एक चीज़ की है. तो मुझे वो चीज़ें नहीं रोकी, उस एक्ट ने नहीं रोका. हाँ, जो मेरी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे, हम अपने घर में लड़ेंगे, बट कोई और लड़ेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीज़ को लेके. क्यों, आपको क्या पड़ा हुआ है? आप अपना घर देखो ना, आप अपना जगह साफ सफाई करो, आप अपनी अपनी बेटियों को सपने दिखाओ, उन्हें बोलो पूरा करें. उन्हें क्यों स्ट्रगल करना पड़ता? आज गांव से निकलने पे भी उन लोगों को सोचना पड़ता, आज सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने के लिए उनको सोचना पड़ता है, आज उनको घूंघट को छोड़ने पे सोचना पड़ता है, उनको जीन्स पहनने पे सोचना पड़ता है, बट हमें तो नहीं सोचना पड़ता इन चीज़ों के लिए. ना हमने किसी को बोला कि प्लीज़ प्रोटेस्ट करो लिटरली, एंड ये लोकल को भी बोलते प्लीज़. आप लोग में तो दिमाग है तो इतना तो होना ही चाहिए कि हमने नहीं बोला है, एंड हमारे ऊपर उंगली मत उठाओ. हम वहाँ पे खुश हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स की वहाँ पे देहांत हुई है, तो हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. आज वो हमारा बर्थ प्लेस नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, कहाँ पे हुआ? हम फिर से यूपी जाएंगे, फिर से बलिया जाएंगे, फिर से बिहार जाएंगे, फिर अपने नेटिव प्लेसेस को खोजेंगे? तो फिर नेटिव प्लेस को बोलो कि हमें हमारा कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे, वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे भी इश्यूज़ है, यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी इश्यूज़ है. हम लोग तो कभी कुछ चीज़ को लेके नहीं इशू बनाते. हाँ, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एक और चीज़ बता देते कि हम लोग का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, एंड एक और लड़ाई जीती गई है इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लेके.
तो वो चीज बिहारी लोग जो बैठ के मारवाड़ीज लोग कर रहे हैं ना, वो कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। अब अपना देखो, अब अपना जगह देखो, एंड प्लीज ये चीज हमारे घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे घर पे हम लोग लड़ रहे हैं, टैग लाइन बना दिया जा रहा है हमारे ऊपर, उंगली उठा मत उठा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर लीस इंटरेस्टेड। किसी के प्रोटेस्ट में भी हम लोग लीस इंटरेस्टेड हैं, एंड किसी के कॉमेंट्स में भी, क्योंकि हमें पता है वॉट वी आर डूइंग एंड वॉट वेयर वी आर टूडे। सो किसी के कॉमेंट से ऑब्वियस फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज मैं आज इसलिए आई ना, बहुत ज़्यादा कॉमेंट देख रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा हो गया, तो जस्ट स्टॉप इट, ठीक है। एंड आप लोग बेवकूफियत मत करो, जाओ पहले अपने गांव को एजुकेट करो, अपने बिहार को एजुकेट करो, कि वहाँ पे अगर कोई लड़की जीन्स पहन के भी चली जाए ना, तो उसके इज्जत का धज्जिया ना उड़ाए, ठीक है। आप होगे माइंड में पढ़े लिखे होंगे, आपको लगा कि ठीक है प्रोटेस्ट करने से आप हाईलाइटेड हो सकते हैं ना, आप बहुत हाईलाइटेड हो आज सिक्किम के हर एक नेपाली के घर पर, आप टॉपिक बन के रखे, बट कोई भी बिहारी को इंटरेस्ट नहीं है, वो बेकार है। एक भी बिहारी बता दो जिसको बहुत खुजली मची हुई है और आपके प्रोटेस्ट में, वो लोग बोलेंगे ठीक है सही कर रहा है या ठीक है गलत कर रहा है, किसी को मतलब नहीं। क्योंकि हमको, हमें जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे हम लोग अच्छे से शांति से खाते हैं, अच्छे से सोते हैं, अच्छे से रहते हैं, हर एक लाइफ स्टाइल है, हर एक कम्फर्ट लाइफ जोन में हम हैं। तो आपको क्या है, आप कौन हो, हम लोग नहीं जानते। एंड प्लीज़ लोकल्स भी एंटरटेन ना करें इन लोग को, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि हम लोग फाइट करें, राइट, एंड वी आर डूइंग दैट ओनली। एंड इस चीज़ को लेकर अगर इशू है तो गवर्नमेंट चुप क्यों है, क्या कर रही है, चीफ मिनिस्टर क्यों है चुप, क्यों पॉलिटिकल सेक्रेटरी चुप है, हमारे तो खुद गवर्नर बिहारी है, बोलो। हमारे पास इतने सारे पॉलिटिकल बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ ऐसे ऑफिसर्स है जो बिहारी है, तो वो क्यों चुप है, वाई वी आर फाइटिंग, वाई वी कॉमन पीपल आर फाइटिंग। यस आई एम एन एक्स काउंसिलर, सो आई हैव टू रेज दिस वॉइस, राइट, आई कैंट लाइक लेट दिस गो। तो उन्हें भी बोलो कि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा मोटिव इस वीडियो को हिंदी में कंटिन्यू करने का एक ही है कि प्लीज़ आप जो भी जहाँ पे से भी हो, बिहार के किसी भी गाँव से हो, कहीं से भी हो, मत करो, कोई फायदा नहीं। हम लोग नहीं बोले आपको करने के लिए, हम लोग खुश है, हम लोग नेपाली बोलते हैं, हम लोग 5-6 लैंग्वेजेस तो ऐसे सीख लिए, हम लोग वैराइटीज़ के खाना खा लेते हैं, वो हमारी यूनिटी है, हमारी एकता है। कोई बाहर का अगर नेपाली भी हो ना आज, या बिहारी हो, कोई भी बोलेगा ना, तो हम एक हो जाएंगे अब, और उसके बाद आप अकेले हो जाओगे, तो फिर लड़ाई कौन जीतेगी, ओबियस हम सिक्किमिस, नेपाली भुटिया नहीं जीतेगा, राइट। यहाँ पे हम लोग खुद को सिक्किमिस बोलते हैं, तो नेपाली, बिहारी, मारवाड़ी, मुस्लिम, ये सब चीज़ हम लोग साइड में रखे, हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो आप लोग को पता नहीं कहाँ से क्या क्या दिख गया है, हम लोग आज तक भी नहीं दिखा है, ठीक है। तो अगर आपको रिसर्च करनी हो एंड प्रॉपर वे में धरना बैठना, तो पहले रिसर्च करो कि वहाँ पे कितने बिहारी काउंसिलर्स थे, कितने बिहारी काउंसिलर्स हैं, कितने गवर्नर्स आए, कितने IPS और IAS हैं, ठीक है। अब ये सोचते हो हम लोग के IPS और IPS वहाँ, IAS IPS जाके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, तो दे तो रहे हैं, तो वो भी तो शांति से जी रहे हैं सिक्किम में, कौन से उनके साथ रोज़ मारपीट होती है, कौन सी आप ही की बिहारी बेटी लोग का रोज़ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, दहेज के अगेंस्ट जलाया जा रहा है, बताइए है क्या। वैसे सर्वे कीजिए एंड देन किसी और के ऊपर उंगली उठाइए, और उनके एक्ट के ऊपर मैं पर्सनली सपोर्ट करती हूँ कि ये एक्ट होना चाहिए, इसको डिमोलिश करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना मेरे जैसी लड़की, मैं तो चलिए छोड़िए, कोई बच्ची सेफ नहीं रहेगी, कोई माँ सेफ नहीं रहेगी, कोई किसी का पिता सेफ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। दंगा फसाद और लेवल में होने लगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, फिर हमारा लैंड एक्विजिशन ज़्यादा होगा, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एंड सिक्किम छोटा सा ब्यूटीफुल सा स्टेट है, जहाँ पे शांति से सबको रहना है, ठीक है। तो प्लीज़, एंड प्लीज सबसे इम्पॉर्टेंट है, जर्नलिस्ट भी बिहारी है, बहुत सारे जर्नलिस्ट बिहारी है, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो आई बिलीव कि आज हर एक संस्था जो हमारे से रिलेटेड है, उन्हें भी ये चीज़ को बोलना चाहिए कि हमारे लोगों को समझाना चाहिए कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड हम लोगों ने नहीं बोला है उनको प्रोटेस्ट करने के लिए। तो प्लीज़ जो भी हो, आप लोग कहीं से भी हो, एलियन बन के आए हो कि क्या बन के आए, हम लोग को नहीं पता है, एंड हम लोग को लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
एन्ड आई बिलिभ कि हामी तपाईँहरू एक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है. यस्तो सानो सानो कुराले आई डोन्ट वन्ट कि हामी सिक्किमको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो भित्रमा चाहिँ खट्टा मिठा काइन्ड अफ टेस्ट होस् है, त्यस्तो नहुनुपर्ने. बिकज म जब काउन्सिलरको लागि टिकट मैले पाउँदा नेपाली नै मान्छे हुनुहुन्थ्यो है, चामलिङ सर एकजना नेपालीको छोरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई टिकट दिनुभयो. उहाँले एक्ट हेर्नु भएन, उहाँले मलाई अगाडि बढाउने सपना हेराउनु भयो. मलाई मैले पनि हेरेँ त्यो सपना, मेरो आमा बाउले सपोर्ट गर्नुभयो. मलाई जति पनि सपोर्टर्सहरू हुनुहुन्थ्यो है, मेरो सिनियर्सहरूले, मेरो पार्टीकोले है, उहाँले सबैले मलाई अगाडि बढाउनु भयो. सो आई डोन्ट थिङ्क सो कि यत्रो सानो कुराले चाहिँ आज हाम्रो युनिटीलाई चाहिँ डिफ्रेन्स पर्नुपर्ने हो भनेर. एन्ड म छोरी भएको नाताले मात्र होइन, म सिटिजन भएको नाताले भन्छु है, द्याट म यति बेसी सेफ फिल गर्छु आफ्नो घरमा. आई एम टुडे लाइक म अहिले कलकत्तामा छु, मलाई मात्रै याद छ म कसरी चाहिँ सर्भाइभ गर्दै होला. म जस्तो कति बाहिर छ होला, तपाईँको नानीहरू पनि छ होला है, हामीलाई याद छ. त्यसले गर्दा प्लिज डोन्ट रियाक्ट. अनि यस्तो मान्छेहरू अगर हेर्नु भने कोभिडको टाइममा पनि हामीसँग हाम्रो मान्छेसँग थुप्रै तमासा भएको, त्यो कोभिड भएको टाइममा ट्रेनको इस्युजहरू पनि छ. त्यति बेला नितिन नवीन सर हुनुहुन्थ्यो, बिजेपीकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, बिहारमा बसेर हाम्रो एसकेएम गभर्मेन्टसँग एलायन्स भएर पनि उहाँले के गर्नु सकेन. अनि हामी आफ्नो फ्यामिलीको लागि यहीँ फेसबुकमा एसकेएमएसडिए बिजेपी गरिबस्यौँ है. त्यो नानीहरू आजको डेटमा स्टुडेन्ट्सहरू जब गर्नेहरू कति बेसी स्ट्रगल गरेर चाहिँ उनीहरू ब्याक आयो होला, फेरि अहिले फेरि सेटल हुने टाइम उनीहरू ट्राई गर्दैछ, त्यो कुरा म फिल गर्न सक्छु. एन्ड त्यति बेला वी वर युनाइटेड, तर राइट नाउ अल्सो वी निड टु बी युनाइटेड रदर देन वी आर फाइटिङ. वी आर जस्ट डुइङ ए मधिसे नेपाली द्याट्स इट. सो प्लिज इट्स नट टाइम फर सच काइन्ड अफ थिङ्स आई बिलिभ. एन्ड इफ मैले केही नराम्रो बोल्यो भने मलाई माफ गरिदिनुहोस्, तर आई फिल कि त्यो प्लेसको छोरी भएको कारणले गर्दा अनि एक्स काउन्सिलर भएको कारणले गर्दा र मैले थुप्रै मौका पाएको छु आफूलाई एक्सप्लोर गर्नु, आफ्नो स्टेटलाई एक्सप्लोर गर्नु र आफ्नो मान्छेलाई एक्सप्लोर गर्नु, आफ्नो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नु. त्यो चाहिँ मैले एउटा टोकन अफ लभ पाएको छु है. सो आइम सो ब्लेस्ड एन्ड आई निड टु रिटर्न दिस. एन्ड म माइट बी म यो भिडियोको थ्रु रिटर्न गर्न चाहन्छु कि थ्याङ्क यू सो मच, हामी त्यहाँ छौँ र सेफ छौँ. एन्ड या हाम्रो लडाइँ हामी आफै लडिहाल्छौँ है. तपाईँहरूको कतिजनाको सपोर्ट हुन्छ कतिजनाको हुँदैन, द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ. पोलिटिकल कुरा डिफ्रेन्ट कुरै हो, तर अहिले सोसियल कुराहरूको कुरा चल्दैछ. अहिले हाम्रो राइट्सको माथि कोही अर बोल्दैछ जो कि बेसलेस भइरहेको छ. एन्ड आई बिलिभ कि यति बेला हामी एक भएर बस्नुपर्ने हो. एन्ड प्लिज डु फरवर्ड माई भिडियो उनीहरूकोमा पुऱ्याइदिनुहोस् कि उनके दिमाग में बुद्धि तो आए कि हम उनके गुलाम नहीं है. एंड आपको किसी ने नहीं बोला कि प्लीज़ आप तांडव करो, कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जहाँ पे आप घर चले जाओ, ज्ञान बहुत है हमारे पास, हम लोग खुद के लिए खुद से कर लेंगे. थैंक यू सो मच.